हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ हुरी मियाँ का सीजन 2 का एपिसोड 5 का एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पिछला का एपिसोड नहीं देखा तो उन्हें भी जाकर चेकआउट कर लो। मैं इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें शू और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है और शू मोतोको को पूछता है, क्या आज तुम्हारा अपने फ्रेंड के साथ स्टडीज नहीं करने जाओगी? तो मोतोको बोलती है, पहले जाना था लेकिन अब नहीं। शू बोलता है, कल किसी लड़के का कॉल आया था जो अपना नाम किताहारा बता रहा था और मैंने उसका कॉल कट कर दिया था। ये सुन के मोतोको गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो गए थे? जो तुमने उसकी कॉल काट दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? शू कहता है, तुम बात लेने के बाद बहुत जल्दी सो गई इसलिए मैंने फोन को काट दिया, और वैसे भी तुम उस लड़के को लाइक करती हो। और ये सवाल सुन के मोतोको शर्माने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं, उसे लाइक नहीं करती मैं, और वैसे भी वो पहले ही किसी लड़की को लाइक करता है। लेकिन वो जिस लड़की को लाइक करता है उसकी पहले ही एक बॉयफ्रेंड है, और वैसे भी हम दोनों तो सिर्फ एक साथ घर आए थे। वहीं हम देखते हैं जो शू था वो तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और वो कहता है, बस इतना ही। मोतोको कहती है, मैं ये सोच रही हूँ कि उसने कॉल क्यों किया था। तो शू कहता है, उसने कहा था कि स्नो की वजह से हम स्टडी सेक्शन कैंसिल कर रहे हैं। ये सुन के तो वो और ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है, ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, ये तुम अब क्यों बता रहे हो, इडियट कहेंगे। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन्नो का इंग्लिश का एसे का टेस्ट अभी अभी खत्म हुआ था और मियामोरा, होरी और युकी इन तीनों का टेस्ट इतना बेकार हुआ था कि ये लोग शू और तोरू से आगे चल रहे थे। तभी शू के फोन में मोतोको का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, मेरा आज घर पे एक फ्रेंड आने वाला है तो घर में शोर शराबा बहुत होगा इसलिए तुम देरी से आ सकते हो। और ये मैसेज देख के शू को भी पता चल जाता है जो मोतोको है वो किस फ्रेंड के बारे में बात कर रही है। इसके बाद हमें मोतोको को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड की आने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि आज किताहारा पहली बार मोतोको के घर आने वाला है। और इतने में इसके घर की डोरबेल बजती है, इसको लगता है कि किताहारा आ गया है, और ये जैसी देखती है तो वहाँ पे शू होता है और वो अपनी बहन से कहता है, सॉरी मैं किताहारा नहीं हूँ। फिर उसकी सिस्टर शू से पूछती है, तुम तो घर लेट आने वाले थे ना, तुम अभी क्यों आ गए? वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उससे पूछता है, तुम्हारा फ्रेंड अभी तक क्यों नहीं आया? तो मोतोको बताती है, जो किताहारा है वो अपने घर पे पहले सामान रखेगा फिर यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं शू और मोतोको आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। इसी बीच किताहारा आ जाता है और यहाँ पे शू किताहारा से रूड बिहेव कर रहा होता है। इसके लिए मोतोको अपने भाई के लिए सॉरी मांग रही होती है उससे बार बार। यहाँ पे तो जो किताहारा था वो तो उसके भाई को कूल समझ रहा था, और ये देख के जब मोतोको को पता चलता है कि जो किताहारा है वो शू पे ध्यान दे रहा है उस पे नहीं, तो इसलिए वो अपने भाई को बाहर निकाल देती है। अब किताहारा के जाने के बाद शू से वो कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वो मेरे पे इंटरेस्ट ही नहीं है, इवन मुझे ये भी लगता है कि वो सिर्फ मेरे से इसलिए बात कर रहा था कि मैं तुम्हारे जैसा दिखती हूँ। इसके बाद हम लोग अगला सीन देखते हैं जहाँ पे शू और तोरू एक साथ बात कर रहे होते हैं, और बातों बातों में शू तोरू से बोलता है, मेरी बहन को ये लगता है कि वो मेरी वजह से क्यूट नहीं है। और ये बात होरी सुन लेती और कहती है, मोतोको तो पहले से ही काफी क्यूट है। यहीं पे तोरू कहता है, अगर तुम्हारी बहन लॉन्ग हेयर रख ले तो वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लग जाएगी। होरी कहती, नहीं नहीं, वो शॉर्ट हेयर में भी काफी अच्छी लगती है। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मियामोरा और युकी भी आ जाते हैं, तो युकी उनसे पूछती है, तुम किस टॉपिक पे बात कर रहे हो? इस पे होरी कहती है, मैं तो लड़कियों की बात कर रही थी कि वो शॉर्ट हेयर में कैसे लगते हैं। फिर ये लोग बातें करने लगते हैं आपस में। शू फिर बताता है कि जब मियामोरा का मैसेज आता है तो मेरी बहन को यही लगता है कि किसी लड़की का मैसेज आया है, और मुझे ये भी लग रहा है कि वो रेमी से ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है। फिर होरी पूछती है, क्या उसने बताया वो किसको लाइक करती है? तो शू बताता है, जिसे वो लाइक करती है वो मुझे लाइक करता है। और ये बात सुन के तो सभी लोग चौंक जाते हैं, और होरी और युकी एक दूसरे से बात करते हैं कि जिसे मोतोको पसंद करती है उसे तो शू ने छीन लिया है। और ये सुन के तो शू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए बोलता है, मैं टोटली गर्ल्स को लाइक करता हूँ ना कि बॉयज को। अब हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे मोतोको शू को उठाती है उसको स्कूल जाने के लिए, और शू को पता चल जाता है कि वो स्कूल के लिए आज लेट हो चुका है, इसलिए वो मुंह में टोस्ट लेके भागने लगता है स्कूल की तरफ। और मोतोको उसको ऐसा देख के बोलती है, मैंने इसे पहली बार ऐसे मुंह में टोस्ट रख के जाते हुए देखा है। दूसरी तरफ शू जा ही रहा होता है और वो काफी ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि वो भाग के जो जा रहा था। तभी युकी यहाँ पे उससे टकरा जाती है, और जो युकी होती है वो आंखें बंद करके इमेजिन करने लगती है कि वो किसी हैंडसम लड़के से टकरा गई है। और ये देखने के बाद शू कहता है, तुम ठीक हो ना?
और वो जैसे ही शू को देखती है उसके सारे अरमान तो पानी में बह जाते हैं। इसके बाद ये लोग साथ में स्कूल जाने लगते हैं, तभी उन्हें तोरू भी मिल जाता है जिसके हाथ में भी खाना होता है, और ये भी आज स्कूल के लिए लेट हो गया था। और ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन्हें मियामुरा भी मिल जाता है, और ये भी सेम चीज़ें कर रहा था, अपने हाथ में खाना लेके स्कूल जा रहा था क्योंकि ये भी लेट हो चुका था। फिर ये सब जब स्कूल आते हैं तो ये लोग देखते हैं सेनगोकू को, और सेनगोकू को इतना लेट आता हुआ देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या आज प्रेसिडेंट भी लेट हो गए हैं। तो सेनगोकू कहता है मैं लेट नहीं आया हूँ, आफ्टर ऑल मैं तो जल्दी आया हूँ क्योंकि जो थर्ड ईयर की क्लासेज है वो आफ्टरनून के बाद ही लगेगी। और ये सुन के तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये लोग तो भूल ही चुके थे कि इनकी क्लास आफ्टरनून के बाद लगने वाली है। इसके बाद ये लोग क्लास में होते हैं और होरी भी आ जाती है और वो लोग सभी चीज़ें बता देते हैं, और इस पे तो होरी काफ़ी ज़्यादा हंसती है। फिर होरी बताती है कि हमारे स्कूल में आज प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आने वाले हैं। फिर शू और तोरू जा रहे होते हैं तभी इसे किताहारा दिख जाता है और ये उसे देख के छुप जाता है। किताहारा तोरू के पास आता है और उससे पूछने लगता है कुछ, तो तोरू उसे रास्ता बता देता है कि किधर को उसको जाना है। और फिर तोरू शू को बुलाने लगता है और जो किताहारा होता है उसको नहीं पता होता है। ये लोग मोतोको के भाई को शू कह के बुलाते हैं और तोरू के बुलाने पे शू नहीं आता है, तो ये लोग तोरू का शुक्रिया करके यहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे रेमी आती है और उसे शू के नाम से बुलाती है, और जो किताहारा होता है उसे शू के बारे में पता चल जाता है। फिर जो किताहारा होता है वो शू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शू होता है वो तो उससे बात करने को तैयार ही नहीं था, और वो उसे कहता है वैसे बहुत देर हो चुकी है इसलिए तुम चले जाओ। फिर किताहारा होरी और रेमी से पूछता है क्या शू की कोई गर्लफ्रेंड भी है। ये सुन के तो वो दोनों हंसने लगते हैं, और तभी यहाँ पे उनका टीचर भी आ जाता है। वो कहता है तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाता हूँ, और फिर जो उनका टीचर होता है वो किताहारा को दूर लेके जा रहा होता है, और शू भी यही चाहता है कि किताहारा से वो दूर रहे। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठे होते हैं और शू इन सभी को बता देता है कि ये वही मिडिल स्कूलर है जिसके बारे में वो बात कर रहा था, और ये सुन के सभी लोग कहते हैं तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। और जो यहाँ पे रेमी और सेनगोकू होते हैं उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, और वो दोनों काफी कंफ्यूज होते हैं। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।